बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने साफ़ करने हैं पंजे, आज हम पकाएंगे पंजे। तो हमने सोचा है कि चलें जो है इन्हें साफ़ करते हैं, और साथ ये जो अपना जो साफ़ करने वाला तरीका है ये आपके साथ शेयर करते हैं कि आपको हमारा ये तरीका कैसे लगा। हमें तो ये बहुत ईजी लगता है, लोग बस दफ़ा ये है कि पानी बॉयल करके उसमें डाल के साफ़ करते हैं, लेकिन हमें वो मेथड मतलब सही नहीं लगता। हमें अपना ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। और ये भी देखिएगा कि बस ये हल्के से हमने गरम करने हैं। आप इसी तरह से चूल्हा लें, हमने एक पुराना सा चूल्हा रखा हुआ है इसी काम के लिए। और ये उसके ऊपर एक हमने ये ट्रे सी काट के एक ऊपर रखी है, और इस तरीके से हमने इन्हें हल्का सा हिला जुला लेना है, ज़्यादा नहीं करना कि ये जल ना जाए। बस हल्का सा इन्हें ये सेकना है इसके ऊपर, और इसके बाद ये इसके ऊपर से स्किन पकड़ेंगे और वो बिल्कुल आराम से जो है ना उतर जाएगी। ये आप देख सकते हैं और ये सॉफ़्ट हो जाती है। और जो पानी वाला तरीका होता है उसमें ये है कि ये जो इसके अंदर वाला जो गोश्त होता है ये भी स्किन के साथ फिर बाहर आ जाता है, लेकिन अगर ये सेकने से ये होता है कि बस ये आप ऊपर वाला छिलका पकड़ेंगे इसकी स्किन और आराम से ऐसे करेंगे तो ये उतर जाएगी। तो आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के साथ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये आप देखें, ये बिल्कुल ऐसे बहुत आराम से जो है उतर जाएगा। आप 5-6 एक ही बार ट्रे पे रखें, आप ट्रे पे ना भी रखें तो ऐसे भी चिमटे की मदद से उसे पकड़ के सेक लें, और सेक के बस इसका जो है ना ये देखें, ये बस हमारे सारे पंजे साफ़ हो चुके हैं। और बस हमने अभी इन्हें वॉश करना है और पकाना है, और ये पकाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।